मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पुलिस के हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस ने हिरासत में लिए युवक को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया है और करंट के झटके दिए। यही नहीं, युवक के प्राइवेट पार्ट से भी पुलिस ने छेड़छाड़ किया है और युवक की तबीयत इस कदर बिगड़ गई है कि उसे अब लगातार दौरे पड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच में जो पीड़ित परिवार आरोप लगाया है ये सही पाया गया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज सहित 4 पुलिसकर्मी और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां बाइक चोरी के संदेह में 2 मई को 20 साल के रिहान को पुलिस थाने लेकर गई थी और वहां पर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। पिटाई के साथ साथ उसे बिजली के झटके भी दिए गए। यही नहीं, पुलिस ने रिहान के प्राइवेट पार्ट के साथ भी छेड़छाड़ की। थाने में ही रिहान की तबीयत खराब होने लगी। परिवार आरोप लगा रहा है कि रिहान को छोड़ने के लिए पुलिस को उन्होंने 5,000 रुपये रिश्वत भी दिए। पुलिस ने रिहान को 100 रुपये इलाज कराने के लिए दिए, मगर रिहान की तबीयत इतनी बिगड़ गई उसे बुलंदशहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे लगातार अब दौरे पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में जब पीड़ित परिवार ने शिकायत की और पुलिस के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर जाँच कराई तो जाँच में पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद चौकी इंचार्ज सहित 7 लोगों पर धारा 338, 323, 506, 147 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई। 2 तारीख को पैसे देने गए कॉलोनी में, पुलिस वालों ने पकड़ लिया इन्हें। पूछे ने बताया इतना मारा कुछ करेगा नहीं, तब लगाएंगे गलत काम पर आपके साथ काम है। अब क्या आरोप क्या है आपका? अब हाल इनका फिर वैसे ही होने लगा है, जब से इनने पुलिस वाले मार, जब से इनकी हालत खराब रहा है, एक आध दिन सही रहा है, फिर इनके वैसे आज ज्यादा हालत खराब। उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी, जिसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज व 4 आरक्षियों के नाम थे, जिनके द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। उक्त के संबंध में वरिष्ठ अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी दातागंज को जांच सौंपी।